हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। सो गाइज, आज का वीडियो एक बार फिर से चाय पे चर्चा, जैसे अमन भाई के साथ अक्सर होती रहती है, तो आज फिर से है। तो आज जानने की कोशिश करते हैं कुछ MIY के बारे में, जो कि अभी क्लासिक नेक्स्ट जेन आने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सा हो रखा है कि कस्टमर्स भी कंफ्यूज्ड हैं। कस्टमर्स को लग रहा है कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है जो डीलरशिप से जा रही है। तो एक्चुअली है क्या, आज इसके बारे में करेंगे पूरी बात। बट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई कर लो सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो अमन भाई, बहुत सारे लोग, पिछली वीडियो जो हमने डाली थी उसको लेके बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन था कि अलॉय व्हील्स तो 8,500 के हैं, आप 12,000 के कैसे बता रहे हो, और किसी चीज़ का प्राइस कुछ है वो कुछ और दिख रहा है MIY पे। तो ये क्या कंफ्यूजन है, पूरा आज क्लियर कीजिए प्लीज़। छोटी सी चीज़ है, हम देख रहे हैं इस टाइम वो पार्ट्स जो कंपनी से लग के बाइक में आते हैं, ठीक है, अलॉयज हो गए, टूरिंग सीट या लोअर सीट या जो भी डिफरेंट सीट आपको चाहिए वो हो गई। अगर इन दो का ही कॉम्बिनेशन देखते हैं, इसी से मैं एक पूरा आपको प्रोसेस समझा दूंगा कि क्या प्रोसेस है, ठीक है। अब होता क्या है, बाइक आई, ठीक है, बिल्कुल। अब एक सामान जो फैक्ट्री से लग के आ रहा है, एक सामान डीलरशिप पे लग रहा है। अलॉयज की बात कर लेते हैं, आपने MIY में मेक इट योर्स, जो रॉयल एनफील्ड का एक वेंचर है, MIY के थ्रू आपने बाइक में अलॉयज लगवाए। क्लासिक की बात कर लेते हैं, MIY में क्लासिक में हमारे पास जो अलॉयज है वो 8750 के आते हैं, ठीक है। बट ये MIY में मेक इट योर्स में अगर आप अपनी बाइक कॉन्फ़िगर कराते हो तो आपको जो अलॉयज का कॉस्टिंग पड़ेगा वो पड़ेगा 8750 रुपीज। लेकिन इसमें आपके वो स्टील रिम्स आपको नहीं मिलेंगे। उसका रीजन ये है, ये फैक्ट्री से लग के आएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली कंपनी की स्टील रिम्स की कॉस्टिंग तो कम करेगी ना बाइक में से। हाँ, तो ये वही स्टील रिम की कॉस्टिंग है जो डिफरेंस आता है। ओके, अगर आप साइड पे सेम अलॉयज देखोगे तो वो आपको 12,500 रुपए के, 12,500 के मिलेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपको अलग से लेने पड़ेंगे और आपकी स्टील रिम्स भी आप ही के पास रहेंगे। ओके, बेसिकली अगर कोई चीज फैक्ट्री से लग के आ रही है, हाँ, कंपनी की स्टील रिम्स की कॉस्टिंग बच गई, तो वो ऑब्वियसली अपने कस्टमर को फायदा देने के लिए अलॉय सस्ते देगी ना? अलॉय सस्ते कर देगी। ओके, सेम गोज फॉर द सीट। जो हमारी सीट होती है, अगर आप कंपनी से टोरिंग सीट लगवा रहे हो वो सस्ती मिलेगी। वो क्यों? सस्ती मिलेगी, आपकी जो एग्जिस्टिंग सीट है उसकी वो कंपनी अपने पास रख लेगी, तो उसकी कॉस्टिंग कंपनी ऐड करेगी नहीं बाइक में, करेक्ट, तो वो अपने आप सस्ती पड़ेगी आपको। अगर आप मेरे से वही सीट लोगे तो मैं देखो नई सीट तो वापस ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो उसकी कॉस्टिंग ऑलरेडी कंपनी ने एक शुरू में ऐड कर रखी है, करेक्ट, वो मेरे पास नहीं आएगी वापस। हाँ, वो मैं आप ही को दे दूंगा और नई सीट आपका अमाउंट जो है मेरे पास जो साइट पे दिख रहा है, साइट पे दिख रहा है, वो मैं आपको दे दूंगा, वो आपको दे दोगे, करेक्ट। आप अगर किसी चीज का MRP चेक करना है, रॉयल एनफील्ड की ऑफिशियल साइट www.royalenfield.com, वहाँ पे ऊपर आपको एक्सेसरीज का बैनर मिलेगा, उस पर क्लिक करके मॉडल सेलेक्ट करके पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको कि क्या क्या एक्सेसरीज, क्या क्या एक्सेसरीज बाइक में अवेलेबल है और क्या क्या लग जाएंगे विद कॉस्टिंग। वो कॉस्टिंग बिल्कुल परफेक्ट है, आप उस कॉस्टिंग के अलावा आपको एक पैसा ऊपर नहीं देना। हाँ, अगर अलॉयज फिट कराते हो तो उसमें ये फर्क आएगा, आपको उसकी एडिशनल कॉस्टिंग देनी पड़ेगी फिटमेंट के, उसको ट्यूबलेस कराने के, उसमें जो आपका वैल लगता है उसके, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्जेस है उसके हैं। अच्छा अमन भाई, एक चीज़ और थी, जैसे अलॉयज, जैसे कंपनी से अभी मेरे पास स्टील रिम्स आए हैं, तो इसमें तो टायर हो गए बाय डिफॉल्ट ट्यूबलेस टायर तो है नहीं, ट्यूब टाइप टायर है, तो अगर ट्यूब टाइप टायर है तो जब हम इसमें रिम्स डालते हैं तो क्या यही टायर कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर टायर्स वगैरह का भी सेटअप चेंज करना पड़ता है, क्या होता है इसमें? जो बाइक में एग्जिस्टिंग टायर लगे आते हैं उसमें ट्यूब होती है बिकॉज ऑफ द रिम्स, हाँ, नॉट बिकॉज ऑफ द टायर। ओके, अगर आपकी बाइक एग्जिस्टिंग बाइक में, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पुराना क्लासिक ओनर आया, हाँ, या किसी ने मेरे से रिम्स वाली क्लासिक ले ली नई वाली, वो बाद में बोलते हैं मुझे अलॉय लगाने हैं, मैं उनके उसी रबर टायर के अंदर से स्टील रिम्स निकाल के
ट्यूब निकाल के अलॉय डाल दूंगा सो दे आर एब्सोल्युटली वर्केबल, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अलॉय फिटमेंट पे अगर आप अलग से करा रहे हैं, अगर रिम्स बाइक लेने के बाद अगर आप अलॉयज फिट करा रहे हैं, यू जस्ट नीड टू पे फॉर द अलॉयज एंड द फिटमेंट ऑफ द अलॉय. ओके, वैल्व हो गया, टायर चढ़ाना हो गया, वो दो तीन जो मिसलेनियस खर्चे होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं छोटे मोटे, वो अलग से देने पड़ते हैं बस. उसके अलावा आपको नया टायर लेने की जरूरत नहीं है. अच्छा, फॉर क्लासिक. अच्छा, आप थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे कि जो ये स्टील, ये जो अलॉयज हमारे होते हैं जो कि हम बाद में लगवाते हैं, इसकी वारंटी कितनी होती है? देखो, जो अलॉयज होते हैं वो 2 साल की वारंटी के साथ आते हैं रॉयल एनफील्ड के. रॉयल एनफील्ड के, यस. बट वही चीज़ है, मिसयूज किस चीज़ का नहीं होना चाहिए. राइट. और जो गाड़ी के साथ बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड आते हैं वो? गाड़ी के साथ बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड अलॉयज में फ़ायदा होता है. क्या फ़ायदा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वो इंश्योर्ड में, बाइक के स्टॉक पार्ट्स होते हैं तो वो इंश्योरेंस में कवर्ड होते हैं. ओके. दूसरी चीज़, अगर आप बाइक की वारंटी एक्सटेंड कराते हो तो अलॉयज की अपने आप एक्सटेंड होती है, अपने आप एक्सटेंड हो जाती है. बट वही एक लॉ आ जाता है मिसयूज़ का, कि कोई भी चीज़ मिसयूज़ नहीं होनी चाहिए. करेक्ट. वो बहुत बड़ा फैक्टर है उस चीज़ में. करेक्ट. और एक अलॉय बेंड होना या फिर डैमेज होना ना, बहुत कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं. करेक्ट. इसे कोई भी का वारंटी क्लेम आता है, वी नीड टू सेंड अ मेल टू द कंपनी, फिर कंपनी से ही हमारे पास, हमारे हाथ में नहीं है, कंपनी से ही हमारे पास अप्रूवल आएगा कि वो वारंटी हमें कस्टमर को देनी है या नहीं. नहीं देनी है. करेक्ट. अच्छा, एक चीज़ और जो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं कि ट्रिपर नेविगेशन बहुत ज़्यादा दिखाया था, बहुत सारे वीडियोस में देखने को भी मिला. हाँ. लेकिन ट्रिपर नेविगेशन वाई ओनली क्लासिक क्रोम रेड? तो अगर किसी ने हेलिकन ग्रीन ली है तो उस बेचारे ने क्या गलत किया है? वाई ही इज़ नॉट गेटिंग द ऑप्शन, ही इज़ रेडी टू पे, मैं देना चाहता हूँ पैसे, मैंने हेलिकन ग्रीन ली है तो मैं क्यों नहीं ले सकता, वाई नॉट? कुछ लोगों ने ये भी बोला है वीडियोस में कि वायरिंग में चेंज है पूरा अंदर से, कि मतलब क्रोम रेड इकलौता वेरिएंट है शायद जिसमें ट्रिपर नेविगेशन लगवा सकते हैं. yes. MI1. तो वो कह रहे हैं कि क्रोम रेड की वायरिंग ही अलग है. कुछ यूट्यूबर्स ने ये भी क्लेम किया है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वायरिंग इकलौती क्रोम रेड के लिए एक अलग से इन्वेंट्री क्रिएट होगी. मुझे आई डाउट दैट. एग्जैक्टली, वही चीज़ है. देखो, ट्रिपल नेविगेशन की वायरिंग रॉयल एनफील्ड ने अपनी लेटेस्ट 650 के अंदर वायरिंग देनी शुरू करी थी. ओके. वायरिंग तब भी वही थी, वायरिंग आज भी वही है. करेक्ट. क्लासिक में भी अब देखो, सिंगल चैनल और ड्यूअल चैनल, उन दोनों की वायरिंग में फ़र्क हो सकता है, बट अगर ड्यूअल चैनल जैसे क्लासिक रेड है, क्रोम रेड है, तो मैं क्रोम ब्रॉन्ज की ही बात कर लेता हूँ, सेम वायरिंग है. वायरिंग उसके अंदर भी, जो हेडलैम्प है उसके अंदर भी आपका जो ट्रिपल नेविगेशन है उसका सॉकेट है. है, क्योंकि ये मुझे भी बहुत अनयूजुअल सी बात लगी थी, क्योंकि एक स्पेसिफिक गाड़ी के लिए एक अलग से वायरिंग की इन्वेंट्री क्रिएट करना मुझे नहीं भी करेंगे. कुछ लॉजिकल नहीं लगा था. नहीं है. तो बट द क्वेश्चन अगेन रिमेन्स द सेम, वाई ओनली क्रोम रेड? इफ आई लाइक, डू नॉट लाइक दैट कलर, एंड इफ आई वॉन्ट टू गो विद ट्रिपर नेविगेशन इन हेलिकन ग्रीन, हेलिकन ब्लैक, तो क्यों नहीं? या फिर ये कुछ टाइम बाद आएगा? वही चीज है सर, जस्ट स्टार्टिंग फेज. ओके, चीजें स्टार्ट हो रही हैं अभी. फॉर श्योर वायरिंग दी हुई है, इसीलिए वायरिंग दी हुई है कि आगे जाके कोई कस्टमर लगवाना चाहे तो इसमें लगवा सकते हैं, लग सकता है. लेकिन बस अभी बट वो एज एन एक्सेसरी लॉन्च होगा, अलग होगा, अलग से होगा, बिल्कुल लॉन्च होगा. ओके, अभी क्रोम रेड में इसलिए क्योंकि क्रोम रेड इज टॉप मॉडल है सर, टॉप मॉडल ऑफ, इट्स टॉप मॉडल भी नहीं, वो एक जैसे कहते हैं ना, बेंचमार्क मॉडल है हमारा वो. करेक्ट. तो वो हम उस पर सब कुछ देना चाहते हैं कस्टमर को. करेक्ट, करेक्ट. एंड क्रोम हैज ऑलवेज बीन अ रॉयल्टी ऑफ रॉयल एनफील्ड. हम हमेशा से क्रोम देखते आ रहे रॉयल एनफील्ड. करेक्ट, करेक्ट. अगर आपने सबसे पहली बात चीज़ किसी क्रोम देखी होगी ना, तो हमेशा रॉयल एनफील्ड पर देखी होगी. हाँ. अब चाहे वो पुरानी हो, लेट 90s, लेट 80s की हो, या फिर आज की हो, आज भी रॉयल एनफील्ड में क्रोम आता है. क्रोम आता है. सो गाइज, जिनके पास कोई भी और कलर है, लाइक हेलिकन ग्रीन, हेलिकन ब्लैक, या कोई भी कलर है, तो प्लीज निराश मत होइएगा, बहुत जल्दी थोड़ा सा वेट करो, आपकी बाइक के लिए भी रॉयल एनफील्ड लॉन्च करेगा इसको. लेकिन कब करेगा ये भी कुछ भी कहना मुश्किल है, बट यस, इट विल बी लॉन्च फॉर आवर कस्टमर्स वेरी सून. सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये हमारी चाय की चर्चा आपको थोड़ी सी अच्छी लगी होगी. चाय वैसे खत्म हो चुकी है.
तो अगले क्वेश्चनेयर बहुत जल्दी हम लोगों ने, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा है कि हम लोग बहुत जल्दी लाइव आने वाले हैं, तो आप लोग को हम लोग ज़रूर बताएंगे और हम लाइव आएंगे और सारी क्वेश्चन जितने हो आपके, 2 घंटे का एक सेशन रखेंगे जहां सिर्फ आपके सवाल और हमारे जवाब। सो विद दिस नोट, दिस इज मी नितिन विवेक एंड अमन भाई साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। बाय बाय।